हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस्क्रिप्टेड व्लॉग्स। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को विद बेल बटन, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में। ये मेरी IFB की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और इसको परचेज़ किए हुए मुझे 6 महीने हो चुके हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोते हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी IFB की वॉशिंग मशीन और इसमें कपड़े धोना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और इसको धोने में मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने कब कपड़े वॉश कर लिए। तो अभी आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैं कपड़े कैसे वॉश करती हूँ अपने। तो ये है मेरी IFB की वॉशिंग मशीन, इसको परचेस किए हुए मुझे 6 मंथ हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक तो ये जगह बहुत कम घेरती है, इसमें जगह बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं घेरती है मतलब मशीन। तो इसमें देख लीजिए, मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और ये अभी भी खाली है, इसमें और भी कपड़े आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है सर्फ़ डालने का बकेट जिसमें सर्फ़ डालते हैं। तो मैं इसके अंदर सर्फ़ नहीं डालती हूँ, वैसे आप अलग से डालती हूँ मैं इसमें सर्फ़, क्योंकि इसमें सर्फ़ डालने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगता है। आप इसमें कोई भी सर्फ़ यूज कर सकते हैं, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पानी ऑन होना चाहिए, ये पानी हमेशा कनेक्ट होना चाहिए, मतलब पानी आपको ऑफ़ नहीं करके रखना है टंकी का। ये 24 घंटे मतलब खुला ही रहता है, मेरा ओपन ही रहता है नल, ऐसे आपको इसको बंद नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको ओपन ही रखना है। और इसमें जो यूज करती हूँ मैं सर्फ़, वो ये है, ये है एरियल का टॉप लोड, ये एरियल की वॉशिंग मशीन के लिए ही बना है। ये 1 लीटर की शीशी है और आपको ये लिक्विड सर्फ है, आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हो और चाहे तो आप सिंपल सर्फ भी यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एरियल ही यूज करना है या लिक्विड सर्फ ही यूज करना है, बस ये है कि इस सर्फ को यूज करने के बाद आपकी वॉशिंग मशीन की लाइफ थोड़ी ज़्यादा चलेगी और जो सिंपल सर्फ यूज करते उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ ये वॉशिंग मशीन की सेफ्टी के लिए यूज करते हैं इस वाले सर्फ को। तो ये इसमें सारे इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं सर्फ के ऊपर। तो इसको डाल लूँगी मैं एक ढक्कन इतने कपड़ों में, तो ये वाला एक ढक्कन मैंने लिया है जो इसके ऊपर कैप बनी हुई थी, और इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसको डाल दिया है मैंने इस तरह से, इस तरह से डाल दिया है और उसके बाद मैं इसका ढक्कन कर दूंगी बंद। और ढक्कन बंद करने के बाद मुझे पावर ऑन करनी है इसके ऊपर से, स्विच मतलब स्विच मैंने ऑन कर दिया है। और उसके बाद आ गई अपनी मशीन के पास। तो मशीन में आप देख सकते हो यहाँ पर वाटर लेवल है, ये पानी का लेवल है, जितने आपके कपड़े होंगे उसी हिसाब से ये मशीन पानी लेगी अपने आप। आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना कि कितना पानी डालना है क्या है या फिर कितने कपड़े डाले हैं आपने, उसी हिसाब से मशीन खुद पानी ले लेगी। और उसके बाद हमें इसमें, तो इसके बाद मुझे इसमें करना है पावर ऑन का बटन ऑन और इसके बाद करना है स्टार्ट वाला बटन, इसी से हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। मुझे और कोई भी बटन नहीं दबाना है, इसमें कुछ भी ऑन नहीं करना है, सिर्फ 2 ही बटन ऑन करने हैं, स्टार्ट और पाउस। ये पाउस का मतलब होता है कि आपको अगर मशीन के अंदर और कोई भी कपड़ा डालना है तो इसे पाउस करके आप डाल सकते हो, मतलब थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हो आप पाउस करके, इसे बीच में रोक सकते हो मशीन को। तो जो ये मशीन है इसका यही बेनिफिट है कि आप इसमें बीच में भी कपड़े डाल सकते हो। तो मैंने इसमें पावर का बटन दबाया और अभी मैं दबाऊँगी इसमें स्टार्ट वाला बटन। तो स्टार्ट का बटन दबाते ही हमारी मशीन चालू हो जाएगी, मुझे इसमें कुछ भी और सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने सेट कर दिया है स्टार्ट वाला बटन, तो आप देख सकते हैं ये 48 मिनट का टाइमिंग दिखा रही है मशीन मेरी। और अभी मेरी मशीन हो चुकी है स्टार्ट, तो ये पानी का लेवल है, ये पानी अपने आप लेगी मशीन। तो ये देखिए पानी का लेवल लेना शुरू कर दिया मशीन ने, ये अपने आप ही एक कपड़े दो कपड़े जो भी जितने भी आपके कपड़े हैं उसी हिसाब से मशीन पानी लेगी। अगर आपका टब पूरा भरा हुआ है तो मशीन पूरा पानी लेगी, और अगर आप मशीन आधी है खाली तो आधा पानी लेगी। और यहाँ पर इसमें दिया हुआ है वॉश, रिन और स्पिन्स, और उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है चाइल्ड लॉक। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये चाइल्ड लॉक आप लगा दीजिए। सिर्फ इन दोनों बटन्स को बीच में से प्रेस करना है, आपको दोनों को एक साथ दबाना है 6 सेकंड के लिए ओनली, तो मशीन का लॉक लग जाएगा। और अगर आप इन्हें वापस प्रेस करोगे
3 सेकंड या 6 सेकंड के लिए, तो ये वापस ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से लग जाएगा चाइल्ड लॉक, और यहाँ से चाइल्ड लॉक मेरा लग गया है और मैंने इसे ऑफ भी कर दिया है। और अभी हम दिखा देते हैं इसकी सेट सारा वो, ये इस तरह से रेड लाइट जलती है इसमें। तो ये चाइल्ड लॉक मैंने लगाना बता ही दिया आपको दोनों बटन से। और उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी इधर वाली सेटिंग्स पर। तो इधर देखिए पानी का लेवल अपने आप ले रही है मशीन। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए आप, ये पानी का लेवल है। ये बटन्स जितनी बार भी, मतलब जितना भी ये पानी लेगी, इतना रेड लाइट जल जाती है इसमें अपने आप ही कि इतना पानी लिया है इसने मशीन में। अगर आपके दो कपड़े हैं तो दो कपड़े के हिसाब से पानी लेगी, और अगर आपकी टब पूरा भरा हुआ है तो टब पूरा भरे हुए के हिसाब से पानी लेगी मशीन आपको। उसके बाद इसमें वॉश का टाइम मिलेगा, रिंस मिलेगा और स्पिन मिलेगा। वॉश अपने आप होंगे, कपड़े खंगाल लेगा अपने आप पानी, और सुखाएगा भी अपने आप ही। और यहाँ पे ये दिया हुआ है इसमें ऑप्शंस, आप चाहे तो अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकती हो। मतलब ड्राई का है ये बटन, आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम सुखा सकते हो कपड़े अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये दिया हुआ है इसमें सारे बटन्स। यहाँ पे जीन्स का बटन है, अगर आपको जीन्स धोनी है अलग से स्पेशल तो जीन्स डाल सकते हो। डेलिकेटेड कपड़े, मतलब जो आपके नए कपड़े होते हैं ना जिनमें सितारे मोती वगैरह लगे हुए होते हैं, उनको डेलिकेट कपड़ों पे सेट करके धो सकती हो। लेकिन मैंने अभी अपनी मशीन को स्मार्ट सेंस पे सेट किया हुआ है। तो स्मार्ट सेंस का मतलब है कि मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप कपड़े धो देगी, मुझे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसने टाइम सेट किया हुआ है अपने आप, स्मार्ट सेंस ने 48 मिनट का टाइमिंग है। और उसके बाद देख लीजिए मेरे कपड़े धुल चुके हैं, मैंने इसमें कोई भी बटन प्रेस नहीं किया है, ओनली 1 मिनट रह गया है। और ये भी बंद होने के बाद इसमें बीप की आवाज़ आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी मशीन ने कपड़े धो दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को विद बेल बटन, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।